नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल मनोज स्टडी में। आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर लिखिए। उत्तर, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर निम्नलिखित है, आपको इसी तरीके से जमा कर लिखना है। पहले वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन बोलते हैं और वाष्पीकरण को एवापोरेशन बोलते हैं। एवापोरेशन पहला पॉइंट देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन में यह केवल सजीव पादप, सजीव मतलब जीवित, सजीव पादप कोशिकाओं द्वारा होता है। और इसमें देखते हैं वाष्पीकरण पहला पॉइंट, यह क्रिया सजीव तथा निर्जीव दोनों में होती, मतलब जिंदा होते हैं और मरे लोग दोनों में होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं वाष्पोत्सर्जन, यह एक जैविक क्रिया है। और वाष्पीकरण में दूसरा पॉइंट, यह एक भौतिक क्रिया है। तीसरा पॉइंट देखते हैं वाष्पोत्सर्जन, यह प्रायः रंध्रों द्वारा होता है, जो पेड़ों की पत्तियों के नीचे रहते हैं उनको रंध्र बोलते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं। और इसमें देखते हैं वाष्पीकरण, यह किसी कोशिका द्वारा हो सकती है या जल की किसी भी सतह से वाष्पीकरण हो सकता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, यह रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है, यह किसी कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। और पांचवा पॉइंट देखते हैं, इस क्रिया में विसरण दाब परासन दाब कार्य करते हैं वाष्पोत्सर्जन में। और वाष्पीकरण में देखते हैं, इसमें किसी प्रकार का दाब आवश्यक नहीं होता है। छठवां पॉइंट देखते हैं वाष्पोत्सर्जन में, इस क्रिया के फलस्वरूप पत्तियों की सतह सूखती नहीं है। और इसमें देखते हैं वाष्पीकरण, इस क्रिया के फलस्वरूप सतह सूख जाती है क्योंकि सारा जल निकल जाता है, इसलिए सूख जाती है। सातवां पॉइंट देखते हैं वाष्पोत्सर्जन, यह विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। और इसमें देखते हैं, यह केवल ताप द्वारा ही प्रभावित होती है। जो थे वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में सात अंतर, आपको कोई से भी पाँच कर लेना है क्योंकि परीक्षा में पाँच ही पूछे जाते हैं और कम भी पूछ लेते हैं, कम नंबर में आता है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।